अच्छा जी, तो इस स्टेज पे आप लोगों ने क्या करना है कि जो सब्जेक्ट्स आपके तैयार हैं उनके आप टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपका जो है इस्लामियात तैयार हो चुका है, ठीक है, एक स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे वो, 1 मिनट, ओके। अच्छा, तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आप जनरल साइंस को पढ़ रहे हैं या इस्लामियात को या पाकिस्तान अफेयर्स को, दो सब्जेक्ट उठाए उसके टेस्ट स्टार्ट करें, ठीक है। हफ्ते में आप एक टेस्ट कर लें, दो टेस्ट कर लें एक सब्जेक्ट का, उसको आपने जो है वो एक पोर्शन तैयार करना है, उसका टेस्ट देना है। शॉर्ट टेस्ट ले लें, पहले आप जो है सिलेबस वाइज कर लें कि एक सब्जेक्ट उसके 3 हिस्से कर लें, 4 हिस्से कर लें, उसके शॉर्ट टेस्ट दे दें। ये है कि उसके बाद फिर आप उसका फुल बुक टेस्ट दे दें। इससे क्या है कि एक तो आपकी जो है वो पेपर अटेम्प्टिंग ठीक होगी, दूसरी बात वो चीज़ें आपके हाथ से गुजरती हैं, जब आपके कलम से गुजरती हैं, हाथ से गुजरती है ना, वो आपको याद रहती हैं, और फिर आपको जो है वो पेपर के अंदर रिकॉल करना इतना मुश्किल नहीं होता। तो आपने टेस्ट भी लाजमी देने हैं, अपनी पेपर अटेम्प्टिंग भी ठीक करनी है, रिविजन भी करनी है, ठीक है, ये 3 चीज़ें। उसके बाद आपने जो सिलेबस है वो हर सब्जेक्ट का पूरा करना है। उसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि आप कुछ मैप्स ड्रॉ करें लाजमी तौर पर, जैसे पाकिस्तान का मैप है आपको लाना चाहिए, वर्ल्ड मैप है आपको आना चाहिए, एशिया का मैप है वो आपको लाजमी आना चाहिए, उसके अलावा अफगानिस्तान का, मतलब ये कि जो आपके करीब करीब इश्यूज हैं, अगर आपकी हिस्ट्री ऑफ यूएस है वो आपको होना चाहिए, अगर आपकी इंडो पाक हिस्ट्री है तो आपको जो है वो इंडिया का मैप होना चाहिए, पूरे सब कॉन्टिनेंट का आपको होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के जो मैप्स हैं इंपॉर्टेंट वो आपको लाजमी आने चाहिए। उसके बाद कुछ आपने डायग्राम्स बनाने थे। अब देखिए, मैंने लास्ट अटेम्प्ट में एक फार्मूला निकाला था, फार्मूला ये था कि सवाल कोई भी आएगा, कोई सवाल भी आएगा तो मैंने उसमें डायग्राम बनानी है, एक या दो लाजमी। मैं कोई मिसाल लेता हूँ, एक जब एक सवाल आया था कि व्हाट इज कैपिटलिज्म एंड डिस्कस इट्स रिलेशनशिप विद डेमोक्रेसी, ठीक है, ये सवाल था पॉलिटिकल साइंस में। अब मैंने जो है जब इस सवाल को उठाया तो उसमें मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक कैपिटलिज्म है, एक डेमोक्रेसी है। अब इंट्रोडक्शन तो आपके जैसे आप स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं, तो अब मैंने कैपिटलिज्म की डेफिनेशन दी, ठीक है, एक साथ एक बुक का हवाला दे दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने कैपिटलिज्म के लिखने के बजाय एक डायग्राम बना दिया उसके फीचर्स के, उसके फीचर्स फ्री मार्केट होती है, लेसेस फेयर होता है, उसके अंदर ह्यूमन राइट्स, इस तरह जो जो उसके फीचर्स बनते हैं वो मैंने एक डायग्राम एक पेज के ऊपर मैंने बना दी। अब क्या हुआ कि वो मैंने 2 मिनट में डायग्राम बना दी और एक सफ़ा भी मैंने ज़ाय कर दिया, ज़ाय से मुराद मैंने भर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने जो है वो डेमोक्रेसी को डिफाइन किया, उसकी डायग्राम बना दी एक सफ़े के ऊपर, तो 4 सफ़े मैंने इस तरह कर दिया। उसके बाद फिर मैंने डिस्क्राइब किया कि व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, वो फिर मैंने उसकी हेडिंग्स दी और उसको 2 सफ़े 3 सफ़े जो है डिस्कस किया, और एंड के ऊपर मैंने उसे कंक्लूड कर लिया एनालिसिस करके। तो क्या होता है कि आपने एक टेक्निक अडॉप्ट करनी होती है जिसमें आप सवाल कोई भी आएगा आपने उसके अंदर डायग्राम बनानी होती है, ठीक। ये पर्टिकुलरली पेपर रेफरेंस के हवाले से है, विद रिस्पेक्ट टू पेपर पेपर अटेम्प्टिंग के हवाले से है, ठीक है। ये आपने लाजमी करने हैं, मैप्स करने हैं, डायग्राम्स बनानी है, उसके बाद हेडिंग जो देनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे क्या करते हैं कि शॉर्ट शॉर्ट सी हेडिंग देते हैं, नहीं, आपकी जो हेडिंग्स हैं लंबी होनी चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो आपकी सब हेडिंग है वो लाजमी लंबी होंगी, सेंटेंस की फॉर्म में होंगी, जैसे आप आउटर में सेंटेंस बनाते हैं। हाँ, जो आपकी मेजर हेडिंग्स हैं, अगर आप डिफाइन डेफिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म यूँ दे सकते हैं, उसके बाद अगर आपने डेमोक्रेसी और उसका जो ताल्लुक है, रिलेशनशिप है, वो डिस्कस कर रहे हैं, तो आप कहें कि डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है, यूँ आप हेडिंग दें। तो मतलब ये कि आपकी हेडिंग को पढ़ने से एग्जामिनर को चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, वो आपका पूरा पैराग्राफ ना पढ़े। ये चीज़ें हैं, यानी कि एक तो आपने डायग्राम्स बनानी है, चार्ट्स बनाने हैं, मैप्स बनाने हैं, हेडिंग लंबी देनी है और रेफरेंस देने हैं। रेफरेंस से मुराद क्या होता है कि बुक्स के हवाले देने। अब आप एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपका पॉलिटिकल साइंस है, आप पॉलिटिकल साइंस की जो इसमें अच्छी अच्छी बुक्स हैं, कुछ लेटेस्ट हैं और कुछ रिकमेंडेड है, उसके आप लिस्ट तैयार कर लें 8 से 10 बुक्स की, कि ये किताब है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मेरे पास आजकल, जैसे मैं वो किताब पढ़ रहा था, फ्रांसिस फुकुयामा की लिबरलिज्म एंड इट्स डिस्कंटेंट्स, ठीक है, या जैसे हेनरी किसिंजर की नई किताब आई है कि लीडरशिप 6 स्टडीज इन वर्ल्ड स्ट्रेटेजी, ठीक है, इस तरह की किताबें आप उसको जो है वो नोट कर लें कि ये किताब आप इस तरह की चीज़ के अंदर अगर सवाल आता है, चाहे वो एस में होगा, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में, पोलिटिकल साइंस में, कहीं पे भी आ रहा है, उसे आप रेफरेंस के तौर पर दे सकते हैं। डायरेक्ट नहीं करना, एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं देना, आप ये कह सकते हैं कि सिमिलर थिंग्स हैव बीन नोटेड बाय, सेम थिंग हैज बीन रिपोर्टेड बाय फला ऑथर इन हिज बुक इन हर बुक। तो ये आपने हर सब्जेक्ट के लिए इस तरह के कुछ रेफरेंसेस हैं वो अभी आपने इकट्ठे करने हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको पेपर में बहुत हेल्प करती हैं। हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि तैयारी करना एक अलग चीज़ है, पेपर
पेपर अटेम्प्ट करना एक अलग चीज है। दो बंदे हैं जिनकी सेम तैयारी है, एक बंदे को पेपर अटेम्प्ट करना प्रॉपर नहीं आता, एक को आता है, तो उनके स्कोर में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, मैं आपको बीएमएस की मिसाल लेता हूँ। इस साल की जब मैंने पेपर दिए अभी 2021 बीएमएस के, तकरीबन 1.5 साल के बाद मैंने लिखा कुछ पेपर के अंदर जाकर, बट ये कि मेरी लेंथ पूरी हो रही थी, मैं उसको हर सवाल को पूरा कर रहा था, मैं उसमें रेफरेंस भी दे रहा था, उसके अंदर डायग्राम्स भी, क्यों, इसलिए कि मुझे पता है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, स्कोर किस चीज़ से आता है, किस चीज़ से स्कोर नहीं आता। तो आपने एक बार वो टेक्निक अडॉप्ट करनी है, वो सीखनी है, फॉर्मूला जिससे नंबर आते हैं, उसके बाद आपने तैयारी को पॉलिश करते हैं आप टाइम के साथ। ठीक है, मॉक लाजमी देने हैं जहाँ पे भी दें। अच्छा, अकेडमी में जाने से बेहतर है आप किसी अच्छे टीचर को दें इंडिविजुअल, जहाँ आपकी प्रॉपर असेसमेंट हो। अकेडमीज में क्या होता है कि आप देते हैं वो आपको वापस कर देते हैं, लेकिन इतना अच्छा फीडबैक नहीं आता। वहाँ पे जो सीएसपीज होते हैं वो तो चेक ही नहीं करते, ठीक है ना। और उसके बजाय ये कि आप किसी ऐसे बंदे को दें, किसी सीएसपी को या टीचर को दें जो आपका पेपर प्रॉपरली वेल्युएट करे, आपको चेक करे। लास्ट से मुझे याद है कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने मॉक दिए थे एंड के ऊपर, तो उसमें मैंने बच्चों के पेपर बहुत हद तक इम्प्रूव करवाया, उनकी राइटिंग, मतलब उनको लिख वो अच्छा लिख रहे थे, उनकी राइटिंग भी अच्छी थी, कंटेंट भी अच्छा था, लैंग्वेज भी अच्छी थी, आइडियाज भी अच्छे थे, बट वो क्या गलतियां कर रहे थे, क्वेश्चन को डिकोड करने में गलती कर रहे थे, उसको प्रॉपर किस सेक्शन को कितने पार्ट से क्वेश्चन में उनको कैसे एड्रेस करना है, किसको कितनी स्पेस देनी है, किसको कितनी स्पेस नहीं देनी, वो इन चीज़ों में गलतियां कर रहे थे। तो एग्जामिनर इन चीज़ों पर नंबर काट देता है आपको। तो अगर आप ये चीज़ें सीख लेते हैं ना, तो उससे क्या है आपका जो है वो स्कोर बहुत बेहतर होता है। अगर आप 4 से 5 नंबर का एक सब्जेक्ट के अंदर भी डिफरेंस डालते हैं, तो आप देख लें कि 30 से 35 का डिफरेंस आपको जो है वो कहाँ से कहाँ ले जा सकता है आपको। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, पेपर अटेम्प्टिंग पे काम करना है, अपनी तैयारी पूरी रखनी है। ठीक है, ये चीजें हैं कुछ। हाँ जी, मॉक मॉक लेते हैं इसके अलावा ऑप्शनल जो है कुछ ऑप्शनल, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, जेंडर है, हिस्ट्री ऑफ यूएस है, पंजाबी है, इनके मैं लेता हूँ। इसके अलावा कंपलसरी है, जिसमें जनरल साइंस को निकाल के बाकी लेता हूँ मैं। जनरल साइंस की इसलिए नहीं लेता कि उसमें तो मैथ है और साइंस वाला पोर्शन है, वो मुझे बड़ा बोरिंग लगता है, तो उसके मैं मॉक ना बनाता हूँ ना लेता हूँ इससे। तो आपके जो 5 कंपलसरी हैं ऐसे मिला के वो, और साथ कुछ जो ऑप्शन मैंने डिस्कस किए बता दिए आपको, इनके मैं मॉक जो है वो देता लेता हूँ। ठीक है, अभी एक लड़की है मेरे पास, वो दे रही है तकरीबन, उसने पंजाबी के 3 टेस्ट दिए, उसके बाद जेंडर के 3 दिए, उसके बाद उसने फुल ग्रुप पे जाना है, तो इस तरह उसके फिर बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो उसे कर रही है। तो बच्चे काफी सारे कर रहे हैं अभी भी मेरे साथ। जी नहीं तक आपको समझ आ गई ये बात, कोई और चीज इसमें अगर निदा रहती हो, कल आपने ये सवाल किया तो आप मुझे बता दें प्लीज, मैं आपके सवाल देख लेता हूँ। अच्छा जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्वेश्चन हो जाएगी, दुआ करते रहे हैं सब। हाँ जी, लास्ट टाइम दे दी थी मैंने डायग्राम, उसको एक्सप्लेन के बना है नहीं यार, उसको नेक्स्ट करने की निदा, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि उसके नीचे फिगर नंबर 1, डायग्राम नंबर 1 या चार्ट या मैप नंबर 1, ये चीजें आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आप उसके आगे लिख दें कि मैप ऑफ साउथ एशिया, मैप ऑफ पाकिस्तान, मैप ऑफ सब कंटिनेंट, मैप ऑफ हिस्ट्री यूएसए, मैप ऑफ यूएसए, ये चीजें आप अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, डायग्राम का नाम देना चाहें जैसे, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करना आपने उसके अंदर, क्योंकि डायग्राम का मकसद यही है कि कम टाइम के अंदर जो चीजें ज्यादा हैं वो आप स्पेस के अंदर कवर कर लें। फैक्ट बुक में नोट, हाँ जी उसके नोट कर लेंगे। हाँ, ये मैं अभी फैक्ट बुक की तरफ भी आता हूँ, हमारा जो डायग्राम सॉरी जो थीम्स वाला डिस्कशन है उस पर होगी। अच्छा सर, जितनी भी तैयारी करें फिर भी ब्लैंक फीलिंग होती है, आती है, बिल्कुल आती है, ये नेचुरल होता है, क्योंकि आप इतना तैयार कर चुके होते हैं कि आपको लगता है कि आपने जो है कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, इवन जब आप लास्ट स्टेज होती है तो ऐसा लगता है यार आपको कुछ भी नहीं आता और पेपर आप ना दें, तो ये फीलिंग्स आती हैं, ये चीज़ें महसूस होती हैं, बट आपने इन चीज़ों से परेशान नहीं होना, कभी इससे जो है वो फिक्रमंद नहीं होना, ये नेचुरल होती है कि इस एग्जाम में आप इतना पढ़ रहे होते हैं डेली बेस पे, वीकली बेस पे, मंथली बेस पे, तो वो चीज़ें जो है वो माइंड में नहीं रहती हैं, मेमोरी का हिस्सा नहीं बन पाती, तो उसका एक हल ये होता है कि आप उनको रिवाइज करते रहें बार बार, आप अपने मेमोरी का हिस्सा बनाए ताकि फिर वो आपको जो है वो याद रह जाती हैं। ठीक है, तो आप कम पढ़ लें लेकिन अच्छा पढ़ लें, और जो अच्छा पढ़ें उसे रिवाइज करें, उसे याद करें, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने एक किताब पढ़ ली है लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ पे कोट हो सकती है, उसमें क्या डिस्कस किया जा रहा है, तो फिर उसमें फायदा नहीं है। ठीक है, कहीं से कोई अच्छी चीज़ मिलती है उसे आप नोट कर लें, कोई कोटेशन वगैरह रेफरेंस वगैरह, ये आपको सारी चीज़ें जो है वो उसमें आपको हेल्प कर रही होती है। ठीक है, हम एक स्पेशल क्लास रखते हैं यार इस पे, मुझे लगता है कि ये टाइम कम है इसके लिए, पेपर अटेम्प्टिंग और तैयारी पे, और इस पे तो हम इस पे क्लास स्पेसिफिक रख लेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं आपके जो है वो डेटा कलेक्शन वगैरह के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी।
मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम उस पर बात करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने आपके सामने जो है वो स्क्रीन शेयर कर दी है। आई होप कि ये शो हो रही है। अब देखें, जो हमारे आज की डिस्कशन है वो इस चीज़ पे है कि डेटा कलेक्शन कैसे करनी है, अपने रेफरेंसेस कैसे इकट्ठे करने हैं, सोर्सेस वगैरह, ठीक है, ऐसे कैसे तैयार करने हैं, एक टॉपिक को या एक थीम को या एक एरिया को किस तरह अच्छे से तैयार करें कि उसके अंदर आप जो है वो आपके पास प्रॉपर रेफरेंसेस भी हों, कोटेशंस भी हों, बुक्स भी हों और उसके अंदर एग्जाम्पल के स्टडी सारा कुछ हो। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने करनी है वो ये है कि अभी आप लोग जो है वो फुल लेंथ, यानी हमें तकरीबन जो है 5 तारीख से हमने सेशन स्टार्ट किया, तो आज 20 तारीख, 19 तारीख है। लाइक हमें तकरीबन हमने 12 क्लासें की हैं और 12 क्लासों के बाद आपने 3 फुल लेंथ ऐसे भी कर लिए हैं, बाकी आपके अगले दिनों में हो जाएंगे। और इस स्टेज पे आप इस काबिल हैं कि हर तरह का ऐसे कर सकते हैं, एंड और आर वाले ऐसे वो हम इंशाल्लाह अगले वीक में करेंगे। बाकी आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे भी कर सकते हैं। आपको फुल लेंथ ऐसे लिखना भी आता है, आउटलाइन बनानी भी आती है, किसी टॉपिक को डिकोड करना भी आता है, उससे कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, डी कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, चलाना कैसे, ऐसे को सारा कुछ आपको इस स्टेज पे आता है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ ऐसे जो पास पेपर्स हैं वहां से प्रैक्टिस कराऊंगा और उसके बाद जो कुछ एक्सपेक्टेड एक या दो होंगे एरियाज वहां से भी आपको करवाऊंगा। लेकिन अब आपने जब सेशन से आप जाएंगे, इस सेशन के बाद आप लोगों ने अपनी तैयारी ऐसे की कैसे कंटिन्यू करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये टॉपिक मैं आज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि बच्चे इसकी डिमांड कर रहे थे बार बार। ठीक है, अदरवाइज मेरा प्लान था कि आज मैं और वाले ऐसे पे डिस्कस करूँ, बट मुझे लगा कि इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए आज ये किया। अब आपने जब सेशन से आप जाएंगे उसके बाद आपने ये करना है कि एक लिस्ट बनानी है अपने टॉपिक्स की। पास्ट पेपर 10 साल अगर आप उठाएं तो उसके अंदर आपको कुछ मेजर एरियाज थीम्स नजर आते हैं, लाइक डेमोक्रेसी है, वुमेन पे है, फेमिनिज्म पे है, जेंडर इक्वलिटी भी आता है, क्लाइमेट चेंज भी आती है, ग्लोबल वार्मिंग भी आता है, सोशल इश्यूज आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट आती है, इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं, फॉरेन पॉलिसी भी आता है, पॉलिटिक्स पे, लॉ पे, ठीक है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर आते हैं, फॉरेन पॉलिसी, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, जियो इकोनॉमिक्स नया टॉपिक है, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया टॉपिक है, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, मीडिया इससे रिलेवेंट आपको टॉपिक्स मिलते हैं। ये कुछ ब्रॉड एरियाज हैं। अब आपने क्या करना है कि तकरीबन 8 से 10 ऐसे एरियाज निकालने हैं जिसमें आप इंटरेस्ट है, ठीक है ना। वैसे लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने जो है वो 8 से 10 के करीब वो एरियाज निकालने हैं जिसमें आप बड़ा आसान फील करते हैं। मैं मिसाल दूं तो मुझे फेमिनिज्म, जेंडर इक्वलिटी, इस तरह के टॉपिक्स वुमेन पे जो है वो अच्छा लगता है पढ़ना भी और लिखना बोलना भी। तो आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, पहले लिस्ट बना लेनी है 8 से 10। उसमें वुमेन का अगर आता है वो आ जाएगा, गवर्नेंस पे आता है तो वो आ जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट पे आता है तो वो आ जाएगा, इकोनॉमी से रिलेवेंट है तो वो आ जाएगा, देन उसमें अगर टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट है तो वो आ जाएगा। जब आप ये लिस्ट बना लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हम ये समझते हैं कि आपने जो है वो वुमेन जेंडर पे जो है वो थीम उठाया है। अब आपने थीम वाइज तैयारी करनी है। उसके बाद 1 हफ्ता लें, 6 5 6 दिन आप उस थीम के ऊपर जो है वो रिसर्च करें, उसमें आपने बुक्स जितनी आपको मिल जाती हैं अच्छी अच्छी वो नोट कर लें अपने पास। उसके अलावा एज ए रेफरेंस कोटेशंस को अच्छे नजर आते हैं या आपको मिल जाते हैं नेट से या ढूंढ लें उसको, वो नोट कर लें उसमें से 4 5 इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद आप ये देखेंगे उसके ऊपर डेटा जो उसमें सोर्सेज हैं, सोर्सेज से मुराद ये है कि किसी इदारे की रिपोर्ट है, कोई फैक्ट्स वगैरह हैं, कोई उसके अंदर डायग्राम्स बनी है वहां से डेटा लिया गया है, कोई फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, एनालिसिस हैं, वो चीजें आप निकाल लें। ठीक है, यानी कि आपने एक थीम के अंदर जब एक थीम तैयार करेंगे उसकी रिसर्च करेंगे, उसमें आपने डेटा निकालना है, रेफरेंसेस निकालने हैं, बुक्स के हवाले निकालने हैं, केस स्टडीज निकालनी है, एग्जांपल्स निकालनी है, फैक्ट्स वगैरह निकालने हैं, साथ उसमें किसी इदारे की रिपोर्ट का हवाला आ रहा है तो वो भी आपने निकालना है। प्लस आपने ये करना है कि उस टॉपिक को हर पॉसिबल वे में तैयार करना है, लाइक आप पास्ट पेपर से भी देख सकते हैं कि ये टॉपिक इस डायमेंशन से आ चुका है। फिर आपने ये देखना है कि इस साल इस टॉपिक से मुतल्लिक क्या चल रहा है दुनिया में, पाकिस्तान में, वो आपने एक्सपेक्ट करना है, फोरसी करना है आपने उसको, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने उस डायमेंशन में तैयार करना है उसको। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि जेंडर है तो इस पे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम ट्रांसजेंडर के हवाले से डिबेट चल रही है, एक लॉ पास हुआ है, ठीक है, उसके अलावा रेप्स के हवाले से होता है, सेक्सुअल हरासमेंट के हवाले से इशू चलते हैं, देन आप देखें कि उसमें पाकिस्तान में जो वुमेन वायलेंस है उसके हवाले से इशू होते हैं, पॉलिटिक्स के हवाले से चलते हैं। तो आपने ये चीजें देखनी है कि इस पे आप इन एरियाज को कहाँ कहाँ से
किस भी पॉसिबल वे से तैयार कर सकते हैं। जब आप उसको तैयार कर लेंगे, उस पर डेटा सारा इकट्ठा कर लेंगे, तो 6-7 दिन में मेरे ख्याल से एक टॉपिक बड़े अच्छे से तैयार, अगर आप दिन में 1 या 2 घंटा भी देना, बड़े अच्छे से तैयार हो सकता है। जब आप 6 दिन के बाद तैयार करके उसके बाद आपने टॉपिक किसी सर से, मेरे से पढ़ना है तो मेरे से ले सकते हैं, किसी और से तैयारी करें उनसे टॉपिक ले लें उस थीम के ऊपर कि सर है मुझे इस थीम के ऊपर कोई टॉपिक मुश्किल से बना के दें, ठीक है आप उस टॉपिक को लें, टाइटल को लें और उसके ऊपर ऐसे लिखें और फिर उसको चेक कराएं। हफ्ते में एक ऐसे लाजमी करना है आप लोगों ने। फिर अगले हफ्ते आप एक और थीम उठाएंगे, ठीक है उसको उठाएं और उसके ऊपर रिसर्च करें, तैयार करें और फिर उसको जो है वो आपने करना है, ठीक है जी। आप इसी तरह अगर आप 8 से 10, 10 से ऊपर जाना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह थीम तैयार कर लेते हैं ना, तो देन मेरे ख्याल से टॉपिक उन एरियाज में से, उन मेजर एरियाज में से किसी तरह टॉपिक भी आएगा ना, फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। प्लस आपने काइंड्स ऑफ एसे, नेचर ऑफ एसे, हैंडलिंग ऑफ एसे ये लाजमी करनी है। आर्गुमेंटेटिव एसे भी करने हैं, डिस्क्रिप्टिव भी करने हैं, एंटी आर्गुमेंट वाले भी करने हैं, स्टेटमेंट बेस्ड भी करने हैं, कॉलन वाले भी करने हैं, हर तरह के एसे आपने प्रैक्टिस लाजमी करना, ताकि आपको टॉपिक हैंडलिंग में इश्यू ना, उसमें आप गलती ना करें, ठीक है। ये तो है आपके थीम के हवाले से तैयारी करने का स्टाइल। अब हम देखते हैं कि आप डेटा वगैरह, सोर्सेज वगैरह, रेफरेंसेस कहाँ से तैयार कर सकते हैं। देखें जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एक चीज हमेशा आपने याद रखनी है कि एग्जामिनर एसे के अंदर अगर किसी को मार्क्स देता है तो वो उससे कंटेंट की बेस कर देता है, ठीक है ना। अगर किसी बंदे का स्ट्रक्चर ठीक है, जैसे आप लोगों का ठीक हो चुका है, लैंग्वेज भी ठीक है, लेकिन जो उसका कंटेंट है वो नॉर्मल से एवरेज है, तो वो 40 नंबर ले लेगा, ठीक है। मेरे उस्ताद हैं हमेशा एक बात कहते थे कि यार अगर किसी के 50 से नीचे नंबर आते हैं ना एसे के अंदर, तो वो तुक्का होता है। तो सर की बात मुझे बड़ी हंसी आती थी, ठीक है ना। तो लेकिन अब मुझे इतना एक्सपीरियंस करने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि सर बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और आप देखते हैं कि मेजोरिटी जो है वो 40 नंबर होता है इनका। टॉप 20 टॉप 30 उठा लें, शायद ही 1 या 2 लोगों जिसके 40 41 42 होंगे, इससे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आपके ऐसे पास हो जाएगा अगर आपका कंटेंट एवरेज है। लेकिन अगर आपका कंटेंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, अच्छी क्वालिटी का है, लेटेस्ट है, आपने उसको अपडेट किया हुआ है, तो उससे क्या है कि फिर आपको उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। मैं इसकी तरफ आता हूँ असदुल्ला। अच्छा अब आपने तैयार कहाँ कहाँ से करना है, रिपोर्ट्स कौन कौन सी, रेफरेंसेस कौन कौन सी आप तैयार कर सकते हैं। कोशिश करनी है कि इकोनॉमिक सर्वे को पाकिस्तान का आता है वहां से आप तैयार करें। जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे आता है वो तकरीबन जून में, मई जून जून में आपका एंड हो रहा था तब आता है, मतलब जिस टाइम आपका बजट पेश होता है उससे पहले वो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है। तो अब आ चुका है वो, आपने उसको उठाना है, उसको ओवरव्यू का जो 8 से 8-10 सफ़े हैं वो उठा लेने हैं, उसका प्रिंट निकाल लें या PDF लें, उसमें इकोनॉमी से रिलेवेंट जो फैक्ट्स हैं वो नोट कर लें, ठीक है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री से मुतल्लिक हैं, क्लाइमेट चेंज से मुतल्लिक हैं, हमारे एग्रीकल्चर से मुतल्लिक हैं, हमारा जो रेमिटेंसेज हैं उससे मुतल्लिक हैं, देन उसमें जो है वो एजुकेशन से मुतल्लिक हैं, डिफेंस से मुतल्लिक हैं, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ वगैरह, जितने भी पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट इश्यूज बनते हैं ना, उसमें ओवरव्यू वाले जो आपके सफ़े हैं वहाँ से आपने डेटा इकट्ठा कर लेना है। ये आपका जो है फैक्ट बुक बन जाएगी, ठीक है। या इसको आप कोट कर सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को हर तरह के ऐसे में कोट कर सकते हैं। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की स्टडीज आती हैं, ठीक है ना, उसकी कोई रिपोर्ट आपको नजर आ गई उसको आप कोट करें। कभी यह काम नहीं करना कि आपने अगर एग्जामिनर को डॉज करने की कोशिश की है, लाइक आप खुद से ये बना के पेश कर दें कि वर्ल्ड बैंक की ये स्टडी इस तरह कहती है, हालांकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कभी ये हरकत नहीं करना बिल्कुल भी, आपको इसकी बहुत बुरी सजा मिल जाएगी फिर पेपर के अंदर आपको। वर्ल्ड बैंक के बाद जो IMF है उसकी रिपोर्ट्स आती हैं उसको आप हवाला दें, ठीक है। देन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसका आप रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं, कोई रिपोर्ट है, कोई रिसर्च है उसकी, ठीक है, कोई उन्होंने जो है वो उसके ऊपर कोई स्टडी की है तो उसका हवाला दें। देन इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट एक बड़ा अच्छा रेफरेंस है, ठीक है ना, इसकी जो है रिपोर्ट्स वगैरह आती रहती हैं, इनके इंडेक्स वगैरह भी होती हैं, इनकी जो है वो रिसर्च अपनी होती है। तो क्लाइमेट चेंज पे कर सकते हैं, पॉलिटिक्स पे कर सकते हैं, लॉ के ऊपर है, डेमोक्रेसी पे है, टेक्नोलॉजी पे है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे, आप इकोनॉमिस्ट की जो है वो रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं, लेकिन ये है कि आपने वो वाकई में पढ़ी हो। उसके बाद यूनिवर्सिटी किसी का रिसर्च पेपर है, जैसे हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, ठीक है, जॉन हॉपकिंस है, किसी भी यूनिवर्सिटी का आपको कोई रिसर्च पेपर मिलता है, अच्छा कोई स्टडी मिलती है उसका हवाला दें। इकोनॉमिक सर्वे हो गया, यूनिवर्सिटी रिसर्च हो गया, रिपोर्ट्स ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्रीज,
ठीक है, पाकिस्तान की मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, फेडरल एजुकेशन की है, ठीक है, या पंजाब लेवल पे है, या जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे है, क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है, ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री है, उसकी केस स्टडी है, उसका हवाला दें, देन बुक्स हैं। आपने कोशिश करनी है कि हर थीम के ऊपर जो है वो 6-7 आपने जो है कोई बुक्स के रेफरेंसेस साथ में निकालने हैं। लाइक अगर गवर्नेंस पे है तो इशरत हुसैन की किताब का हवाला आएगा, देन उसके बाद मलिह लोधी की किताब है उसका हवाला आएगा, वाई नेशंस फेल उसका हवाला आएगा, क्लाइमेट चेंज भी कर रहे हैं तो उसके अलावा बिल गेट्स की बुक का हवाला आ जाएगा। इसी तरह के दो तीन और बुक्स आप इस पे निकाल लें। आपने हर टॉपिक के ऊपर जो है वो हर थीम के ऊपर 6-7 बुक्स आपने अपने बस नोट कर लेनी है। उसके अलावा रिसर्च पेपर्स हैं, किसी इंडिपेंडेंट आथर का, किसी राइटर का, स्कॉलर का कोई रिसर्च पेपर आपको मिला है, अच्छा आपने उस पर से तैयार किया कुछ, तो उसको भी आप कोट कर सकते हैं। ये कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से आपकी तैयारी हो सकती है और एज ए रेफरेंसेज या सोर्सेज आप कोट कर सकते हैं। जी सुहेल, इसकी बड़ी सजा मिलती है, फिर अगले साल आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ जी, ये इरफान बिल्कुल आप इनका दे सकते हैं, बिल्कुल इनका आप दे सकते हैं, आप इनका दे सकते हैं। इस तरह के इदारे वगैरह हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, उनकी आप दे सकते हैं। अच्छा, ये असदुल्ला ने सवाल किया है कि हाउ मेनी आवर्स ईच डे टू स्टडी अ थीम एंड हाउ मेनी डेज। देखें असदुल्ला, ये डिपेंड करता है, ये बड़ा सब्जेक्टिव सवाल है। आपको 5 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, हो सकता है आप दिन में 4 घंटे तैयार कर रहे हैं उस थीम को, हो सकता है 5 घंटे लगा रहे हो, 2 घंटे लगा रहे हो। जैसे आपको लगता है कि उस टॉपिक के ऊपर आपकी रिसर्च अच्छी हो चुकी है, चाहे 4 दिन में, 5 दिन में, दिन में 1 घंटे लगाने से, 2 घंटे लगाने से, आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने टाइम, अपने अवेलेबिलिटी, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग टाइम को एडजस्ट करें। जब आपका टॉपिक तैयार हो जाए, रेफरेंस प्रॉपर तैयार हो जाए, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर टॉपिक लें, एक उस थीम के ऊपर किसी उस्ताद से एक्सपेक्टेड टॉपिक लें, मुश्किल से, आसान टॉपिक नहीं लेना, मुश्किल टॉपिक लें और उसके ऊपर ऐसे लिखें और उसको चेक करवाएं। ये क्या भेजा है आपने हारिस? मैं इसको जरा जो है वो रिकॉर्डिंग को स्टॉप